मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एमपी नगर में एक लाइब्रेरी है जिसका नाम बॉलीवुड लाइब्रेरी है। यहाँ पर एक्टिंग और बॉलीवुड से संबंधित सारी किताबें हैं। अगर आपको भी एक्टिंग और बॉलीवुड में दिलचस्पी है तो आप भी यहाँ आकर किताबें पढ़ सकते हैं। ये लाइब्रेरी एक निःशुल्क लाइब्रेरी है जहाँ पर आकर आप बिना पैसे दिए घंटों किताबें पढ़ सकते हैं। साथ ही इस लाइब्रेरी में एक छोटा सा कैफे है जहाँ से आप अपने मन पसंदीदा स्नैक्स भी खा सकते हैं। पढ़ाई के साथ चाय और कॉफी का भी लुफ्त उठा सकते हैं। इस लाइब्रेरी की खासियत ये है कि ये पूरी तरह बॉलीवुड और एक्टिंग के लिए बनाई गई है। ये एक शांत और खूबसूरत लाइब्रेरी है जहां पर आपको कई प्रकार की किताबें पढ़ने को मिल जाएंगी। बॉलीवुड लाइब्रेरी बॉलीवुड के थीम पर बनाई गई हुई लाइब्रेरी है जहां बॉलीवुड के बड़े बड़े लेखक, अभिनेता और नेताओं की लिखी गई किताबें हैं। साथ ही स्पीच और व्याकरण सुधारने के लिए भी यहां किताबें रखी गई है। यहां का वातावरण काफी शांत है। किताबें पढ़ने के लिए एक उचित जगह है। लाइब्रेरी में ऐसी की ठंडी हवा में किताबें पढ़ सकते हैं। यहाँ पर एक्टिंग सीखने के लिए बहुत प्रकार की किताबें मौजूद हैं, जिनके मदद से आप एक्टिंग में सुधार ला सकते हैं। साथ ही अगर आपको चाय की चुस्की के साथ किताब पढ़ना पसंद है तो ये भी सुविधा आपको यहाँ पर मिलेगी। आप अपनी मन पसंदीदा किताबें को यहाँ आराम से पढ़ सकते हैं। ये बॉलीवुड लाइब्रेरी आप लोगों ने कब शुरू की और कैसे ये आइडिया आया कि बॉलीवुड की लाइब्रेरी खुलनी है? ओके, सो 2017 में हम लोग ने अभिनय मंच एक्टिंग स्कूल एक्टिंग एकेडमी ओपन किया था एमपी नगर जोन 1 में। तब से अभी तक बहुत सारे बच्चे यहाँ पे सीख चुके हैं एक्टिंग, डांस, फिल्म फाइटिंग, सारा सब कुछ कोर्स यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं हम लोग। हम चाहते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, अभिनय मंच के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको पृथ्वी थिएटर का एनवायरमेंट यहाँ पे भोपाल में मिले। उसके लिए हमने अभी बॉलीवुड बुक कैफ़े, मुसाफिर कैफ़े, अभिनय थिएटर, ये सभी ओपन किया। और बहुत बच्चे, सारे बच्चे बहुत खुश हैं इससे, क्योंकि वो अपनी चीज़ें, मतलब जैसे बॉलीवुड बुक कैफ़े में यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं बुक्स, क्योंकि बुक रीडिंग बहुत ज़रूरी है एक्टिंग के लिए, या वो फिल्म मेकिंग हो या इस फील्ड से रिलेटेड हो या किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, इसलिए हमने बॉलीवुड बुक कैफ़े ओपन किया। तो ये कैफ़े आप लोगों ने कब ओपन किया था? ओके, इसको एक साल हो गया है बॉलीवुड बुक कैफ़े को, और अभिनय मंच को तो काफ़ी टाइम हो गया है। तो लास्ट अक्टूबर, सॉरी अगस्त में हम लोग ने ओपन किया था। तो यहाँ पे किस प्रकार की बुक्स अवेलेबल होंगी और कितनी बुक्स होंगी टोटल इस लाइब्रेरी में? ओके, इसमें अभी तो करीब 250 के अराउंड बुक्स हैं यहाँ पे, जिसमें आपको स्टोरी टेलिंग, ऑटोबायोग्राफी, एक्टर्स की ऑटोबायोग्राफी, उसके बाद आपको पॉलिटिकल बुक्स मिलेंगी, कॉमिक मिलेंगी, उसके बाद आपको फिर वॉइस एंड स्पीच से रिलेटेड बुक्स मिलेंगी, फिल्म मेकिंग के लिए मिलेगी, एक्टिंग से रिलेटेड बुक मिलेंगी, ये सारी बुक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। और अगर किसी को यहाँ पे बुक पढ़ने आना हो तो वो कैसे, मतलब उसके कुछ चार्जेस होंगे? यस, इसका आंसर माया करेंगे। बेसिकली यहाँ पे बैठ के तो आप लोग फ्री में बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको लेके जाना है या परचेज करना है तो उसके लिए थोड़ा सा अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आप लेके जाना चाहते हैं बुक, तो इसके लिए 150 रुपये का एक हमारा कार्ड है जो बनता है, तो वो वन मंथ के लिए होता है। और भी थोड़ा सा प्रोसेस है, तो अगर आप यहाँ पर आएंगे तो फिर हम उसके बाद आपको वो सारी डिटेल्स यहाँ पे बता देंगे। और अगर किसी को घर ले जाना हो ये बुक्स, तो फिर या तो आप परचेज कर सकते हैं, और अगर मंथली आपको जैसे पढ़ना है घर ले जाके, तो उसी के लिए 150 रुपये का एक कार्ड हम लोगों ने बनाया है, जो आप यहाँ पे 150 रुपये पे करेंगे और फिर उसके बाद लेके जाएंगे। कितने दिन के लिए बुक इशू होती है एक बार कार्ड की? 30 डेज के लिए। क्या आप लोग ये बता सकते हैं कि जो लाइब्रेरी है वो कहाँ पे है? ये लाइब्रेरी है एमपी नगर जोन 1 पे भोपाल में, श्रीजी टावर Z6 श्रीजी टावर, बिसाइड IDFC फर्स्ट बैंक के जस्ट बगल से। तो बेसिकली ये बुक कैफे में आप लोगों के लिए बेनिफिट ये है कि यहाँ पे बुक्स, जैसे कि शिखा ने बताया, बहुत इंटरेस्टिंग सी बुक्स है यहाँ पे, और साथ ही साथ में यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा कैफे भी है, तो आप यहाँ पे बुक्स को रीड आउट भी कर सकते हैं और आराम से बैठ के चिल मार के बहुत सारे स्नैक्स और चाय का मज़ा ले सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो चाय है वो पूरे इंडिया में नहीं होगी, यहाँ पे चाय 4 रुपये में चाय मिलती है, तो आप बुक का मज़ा लेते लेते साथ में चाय भी पी सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी सी बात है और हैपनिंग सी जगह है एमपी नगर में, ऐसी शायद आई थिंक कोई जगह नहीं होगी। तो यहाँ पे अकेले से शांति में बैठ के चाय के स्वाद के साथ बारिश का मज़ा लेते हुए बुक्स पढ़ सकते हैं आप।